हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अवर टुडेस लेक्चर इज ग्रामर ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड। दिस इज द विकास गोल्डन ग्रामर बुक एंड टुडे वी विल लुक एट नंबर चैप्टर ए एंड एंड द। आज हम देखने वाले हैं ए एंड एंड द। ये तीन जो आर्टिकल्स है वो हमें कब यूज करने हैं वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वोवल्स ए ई आई ओ यू। एन 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 ये हम कब यूज करते हैं? जब वर्ड्स के स्टार्ट में अगर वोवल लेटर आए, देखो वोवल्स आए हो या ए ई आई ओ यू, इससे स्टार्ट होने वाले अगर वर्ड्स हो तो उनके आगे हम एन लगाते हैं। लाइक एंड, एन के आगे क्या लगाया हुआ है? एन। बिफोर, बिकॉज फर्स्ट वर्ड देखो, फर्स्ट लेटर देखो क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इंजिन, इंजिन का ई फर्स्ट लेटर वोवल है ना ई, इसलिए यहाँ पे एन लगाया, एन इंजिन। इंक पॉट, इंक पॉट को भी एन लगाया है, क्यों? क्योंकि आई वोवल है इसलिए। ऑरेंज, ऑरेंज को भी एन, एन ऑरेंज, एन अंकल। ठीक है, वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द कंसोनेंट सच एज बी सी एफ एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, हमारे कितने लेटर से ए टू जेड 26 लेटर, राइट? उसमें से ये 5 लेटर जो है वो क्या है? वोवल्स है। जो बाकी के इसमें से बचे हुए जो 21 लेटर्स है वो क्या है? कंसोनेंट से। उसमें कौन से आते हैं? बी सी एफ से लेकर जेड तक। इसके अलावा जो आएंगे वो सारे कंसोनेंट है। तो जब कंसोनेंट वर्ड आते हैं, कंसोनेंट लेटर आते हैं जब वर्ड के पहले, तो ए लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ए। अ डियर, देखो यहाँ पे डी क्या है? कंसोनेंट, इसलिए यहाँ पे ए लगाया हुआ है। अ ट्री, अ वॉच, वॉच भी कंसोनेंट है इसलिए ए लगाया है। अ पेन, पेन कंसोनेंट है। अ माउंटेन, एम क्या है? कंसोनेंट है। ठीक है, ये एन और ए का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? एन कब लगाना है, ए कब लगाना है। अब हम द देखेंगे। वी यूज द व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। द हम कब यूज करते हैं? जब हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में अगर हम बताते हैं तब हम यूज करते हैं द। इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है। एग्जाम्पल ए, अंडरलाइन ए एंड एंड द इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन रीड ईच सेंटेंस अलाउड। आपको क्या करना है? सेंटेंसेस में जो ए एन और द जो आए हैं उन्हें अंडरलाइन करने हैं और सेंटेंस आपको बताना है, पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट देयर वॉज अ मंकी इन द लास्ट केज। इसमें ए कहाँ पे आया है? देखो यहाँ पे आया है ए और द यहाँ पे आया है, राइट? तो आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है और ए और द को। ठीक है, अब सेकेंड में देखो, आई वंस सॉ अ केक, यहाँ पे आया है। ठीक है, इसे अंडरलाइन करना है। शेप लाइक एन एरोप्लेन इन द केक शॉप, ये देखो एन के नीचे भी अंडरलाइन करना है। थर्ड में देखो क्या है, आई मेड अ कार टू गिव माई ब्रदर ऑन हर बर्थडे, यहाँ पे अ आया है। ठीक है, और फोर्थ देखो, आई शॉट एन एरो एट वंस ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द पीपल ट्री। फिफ्थ, राजू हैज अ पैरेट, द पैरेट इज कॉल्ड किकी। समझा आपको? ए जो जो ए आए है, जिस जिस सेंटेंस में ए एंड द आए उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है। अब एग्जांपल भी देखो, राइट ए और एन इन द ब्लैंक्स।
ब्लैंक जगह पे आपको क्या करना है, ए आएगा या ए आएगा तो ए लिख देना है, एन आता हो तो एन लिख देना है। फर्स्ट में देखो क्या है, आई हैव अ पेन दैट इज अ ब्लू इन कलर। सेकेंड, द पुअर मैन लिव इन अ, इधर यहाँ पे देखो वोवल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ना, तो यहाँ पे आएगा एन, एन ओल्ड हर्ट। थर्ड, आई वुड लाइक टू हैव अ डैश एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम, ये किससे आ रहा है, ओवल से, तो क्या आएगा एन। फोर्थ, मेरी हैड डैश लिटिल लैम, मेरी हैड डैश लिटिल लैम, एल का किससे स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट से, तो यहाँ पे आएगा ए। फिफ्थ, देयर इज अ डैश इंसेक्ट इन माई सूप, आई किससे स्टार्ट हो रहा है, ओवल से, इंसेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, ओवल से, तो यहाँ पे क्या आएगा एन। ठीक है, समझा आपको ये अच्छी तरह से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।